हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हो गए। शानी गुजरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो अगर लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो और मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहो और अगर मेरे ब्लॉग देखा करो। अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ अभी, ऐसी बात नहीं है। मेरे ब्लॉग में बहुत कम व्यूज़ आते हैं, मुझे शिकायत है आपसे। तो इसी के साथ आज अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। ये मेरा ब्रांड आया, आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन अब मैंने सोचा चलो स्टार्ट ही कर लेती हूँ। मेरा काम तो बनाने का है, कोई देखेगा तो ठीक, नहीं देखेगा तो ठीक, क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस आपको पता है आज है वो पहला श्राद्ध, मतलब पहला कनागत, पहला कनागत आज। और आज गाइस सुबह से ही बारिश हो रही है हमारे यहाँ, जैसे कहें ना सुबह से बारिश हो रही है। और मैंने सुबह कपड़े धोए, बहुत जल्दी कपड़ा धो दिया और मैंने, फिर भी मेरे कपड़ा सूखे ना क्योंकि तार पे ना रुके। बारिश इतनी हो रही है, पूरे दिन कंटिन्यू बारिश हुई है। कपड़ा धोए आध घंटा ही मुश्किल से तार पे रहे होंगे, उसके बाद से बारिश ही कंटिन्यू है। कभी बंद हो जा, कभी पड़ जा, कभी बंद हो जा, कभी पड़ जा, वे सोफा पे रखे। तो गाइस हमारे बारिश हो रही बहुत ज़बरदस्त और मैंने चाय वाय बना ली है शाम की, सारा काम हो गया मेरे शाम का। क्या हुआ तो गाइस मेरे शाम को सारा काम हो चुका है, अब मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। हाँ क्या करती हूँ टीवी में देख लो गाइस, टीवी खराब कर दिया, टीवी देखता हूँ पहले मैं। चलो टीवी देखना चलते हैं। चलो गाइस देखो ये पड़े मेरे कपड़े, ये सूखे नहीं है अभी तक क्योंकि बारिश से बहुत ज़्यादा। क्या करो दिखाइयो, ए हाई सा दिखा मैं चलाऊँ, क्या चलाना? हाय गाइस, ऐ बोल दे यार, ऐ बोल दे, आप तो गुस्सा हो रहे हो। चुन्नी छोड़ मेरे, मत बोले, चल मत बोल, चुन्नी तो छोड़। अरे चुन्नी तो देख पागल सा, चुन्नी छोड़, ये लौंडा मेरा पागल है, चुन्नी को पीछे पड़ जा। और गाइस पूजा भी मेरी हो चुकी है, तो चलो हम करते हैं खाने की तैयारी। बातें बनाते बनाते हम खाना बना लेते हैं क्योंकि फिर लेट ही हो जाना है। ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं और गाइस अब तो 6:30 बजे अंदर हो जाओ, सवा 6:30 अंदर हो जाओ। तुम्हारी मम्मी भी ऐसी आवाज़ है, तुम्हारी मम्मा बताइए कमेंट करके, हमारे मम्मा तो 6:30 अंदर होता है। अब मैं करती हूँ खाने की तैयारी, मिलेंगे घर, पूछती हूँ मैं क्या बनता है खाने में मम्मी पापा से, इसके बाद उनसे बातें करती हूँ। सो गाइस मैं पूछ के आई हूँ कि क्या बनेगा खाने में, तो पापा की रिक्वायरमेंट आई आज कि आज बनेंगे पकौड़ियाँ। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई भी रख दी गाइस गर्म होने के लिए, और मैंने बेसन का घोल भी तैयार कर दिया और आलू भी छील लिए हैं। और मैं इनको कस लेती हूँ, कद्दूकस में कसती हूँ क्योंकि हमारे पापा अगर चाकू से काट के बनाते हैं ना तो मोटे आलू हो जाते हैं, तो पापा खाते नहीं हैं हमारे मोटे आलू के, हमारे पापा पतले आलू के खाते हैं, जो चिप्स से ही है जो होते हैं ना कद्दूकस, उससे कर दी इसे। यहाँ पर मेरा पकौड़ी ठीक है, यहाँ मेरी चाय बन रही है, कौड़ी चाय, ये देखो इतने पतले आलू के पकौड़े बनते हैं, ये देखो देखो इतने पतले आलू के, ये तो टूटा फूटा सा आलू है, इतने पतले आलू, चिप्सर होते हैं ना जो उससे करते हैं। तो इस कमेंट में बताना कि सभी ऐसे बनाते हैं, नहीं ऐसे बनाते हैं। और चाय भी बस क्योंकि पकौड़े तो चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। पकौड़ी तो चाय के साथ अच्छी लगती है, तो मेरी पकौड़ी बस, मेरी चाय बस बनने ही वाली है, चाय मुझे खबाना चाहिए। यहाँ मैं बना रही हूँ, तो चलो गाइस मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे। ओके बनाने के बाद
मसाले वाला तो मेरा बन ही चुका अलग, ये तो बन ही चुका है। पकौड़ी बहुत अच्छी बना दी भाई, पूरी पूरी से बन जा। अभी कुछ नहीं डालती हूँ मैं कि सोडा वोडा वो सब गुस्से लोग डाले हैं। अच्छे बनाओ पकौड़े, अपनी तारीफ अपने आप कर लो। कुछ ब्लॉग में आकर बोले तो अगर इस तुम्हें पता हो कि तारीफ तो कोई करता नहीं, तो मैं अपनी तारीफ अपने आप कर लेती हूँ। मैं पकौड़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ भाई, आपको आना है तो आ जाओ, चाय पकौड़ी बना दी मैंने आपको। जिस किसी को भी खानी हो खानी हो आ जाओ, मत कहना कि उनको नहीं बुलाया, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ आ जाओ। ये वाला मेरा बन चुका है, और मैं पहले पापा को भी देख रहा हूँ, पापा के लिए उसके चुनने वाला थी, पापा के लिए पापा से चाय में भी बना दिया अच्छा खासा। हाय गाइस, सो गाइस मेरी पकौड़ी बन चुकी है और पकौड़ी खा भी लिए पापा ने और मम्मी ने और सारांश ने। मैंने थोड़ी खाई थी, थोड़ी खाई थी। और गाइस पता पकौड़े वकौड़ी बन चुकी है, बर्तन वर्तन में मांझ दिए, मैंने सारा काम खत्म कर दिया रसोई का फिलहाल, और मैं बर्तन मांझ रही। तेरा मुझे बहुत तेज पोटी आ रही है, पकौड़ी करते ना पोटी आ गई, पकौड़ी खाते ना पोटी आ गई। कैसी आई पोटी? बहुत तेज पोटी आ गई, खत्म हो गई, कर लियो खत्म हो गई। और गाइस देखो साई देखे कि साई साई कैसे लगाई थी ये काजल, माजी ने लगाया, इसके लिए काजल ही हो काजल है, काजल नहीं है मेरा। अच्छा देखो कैसा लग रहा भट्टा से औखन सर ओके हे गंदा। तो गाइस चलो मैं इसका होमवर्क करा देती हूँ, होमवर्क तो करता नहीं है बट ये बहुत मैं स्कूल का झुकाव है, जब जाके होमवर्क करे देखो कौन सा पर काट दो, ले 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 मुझे ऐड टू कर दा, ले 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 वो उठा दम डाली वो बुक ले उठा दिया, ए फट जाएंगे कभी किसी चक्कर में घूम रहा है। आ छोटा निक्कर पहन लिया, बड़ा निक्कर देखो पैर में दबा रखा है, इसे पहन लेना तो। चलो गाइस मैं इसका होमवर्क करा देती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ खाने में फिर से क्या बनेगा। हो गया, ठीक है ये। उसके बाद उससे बातें करती हूँ। मेरी पेंसिल ले रही गाइस, आप कुछ कहना चाहोगे कोई बात किसी तरह की? पकौड़ी कैसी बनी थी पहले तो, पकौड़ी कैसी बनी थी? बहुत टेस्टी, जो कहता है वाओ। तो चलो गाइस मिलेंगे थोड़ी देर में, मैं बताती हूँ मैं बता। हेलो गाइस, सो गाइस मेरा रसोई का काम खत्म हो चुका है, सारांश को होमवर्क कराने के बाद फिर मैं रसोई में ही आ गई थी सीधी, फिर मैंने खाना पीना बनाया जो भी मेरे को बनाना था, और क्या कहते हैं दूध भी जमा दिया, दूध भी पीने वाला भी, मतलब सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। ये भी आ गई, इनके लिए खाना भी बना दिया, और इनके लिए मैंने गर्म गर्म पकौड़े भी बनाए थे उसी टाइम पर जब ये आए थे, और जो भी सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है फिलहाल। मैं बर्तन धो रही हूँ, रात के 12 बज रहे हैं भाई, फिर सुबह मेरा काम लेट ख़त्म होता है क्योंकि ये लेट आते हैं खाना वाना खाते हैं तो लेट हो जाते हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि अब मैं बर्तन धो रही और हमारा पानी ख़त्म होगा, सुबह भर आया सुबह से कंटिन्यू चल रहा आज ख़त्म होगा क्योंकि आज कपड़ा धो तो पानी ख़त्म हो गए। और मेरे देखो ये बर्तन तो धुल चुके, ये बर्तन ऐसे ही भरे हैं, तो अब हमारे यहाँ 12 बजे ही पानी आता है, तो अब मैंने मोटर चला रखी है, चली मेरी मोटर, अब मैं देखती हूँ मेरा पानी आया है नहीं आया है, 10 मिनट हो गए मेरी मोटर चली हुई भी, देखती हूँ पानी आया नहीं आया, थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है, थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है, तो इन बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरी मोटर चली, देखो यही जैसे हो जाता है, हमारे यहाँ पर टाइमिंग से पानी आता है, सुबह में भी टाइमिंग से आता है और इस टाइम पर भी, तो सुखा रहा है कि 12 बज रहे हैं और पानी का समय है, जब पानी ख़त्म हो या आफत हो जाए पानी ख़त्म हो जाता है,
तो चलो गाइस इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और गाइस इस चक्कर में गाँव अच्छे लगे, जब जी करें जब पौने भर लो लाइट आनी चाहिए। यहाँ यू है कि लाइट परमानेंट है तो पौने परमानेंट में हो, हमारे गाँव में यू है कि पौने परमानेंट है तो लाइट परमानेंट है। समस्या हर जगह कुछ ना कुछ है। तो चलो गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं कर लेती हूँ अपने वाले बर्तन साफ, उसके बाद में काम खत्म। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।